रुचिरे सुहावा मधुरे चरिति अति रुचिरे सुहावा लंका जैसा कि आप सभी के मतानुसार संधि प्रस्ताव हेतु युवराज अंगद को हमने लंका भेजा। उन्होंने सभी प्रकार से रावण को समझाया पर रावण संधि हेतु तैयार नहीं। युवराज के द्वारा लंका का निरीक्षण भी किया गया तो उन्होंने बताया लंका बांके चार ही द्वारा, लंका में चार विकराल फाटक हैं। अब आपको हमें सभी को विचार ये करना है कि कहीं भी दिलागी करिए विचारा, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, आक्रमण कैसे करना है, ये आपको हमें सबको विचार करना होगा। हमारे सभी सचिव हमारे सन्निकट हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी से जानना चाहूंगा, कहीं आप सभी का क्या मत है, क्या राय है? हे प्रभु, हमारा तो ये मत है लंका के जो चार द्वार हैं, हम अपनी सेना की चार टोलियां बनाएं और हर एक टोली पर अपनी सेना लगाए, टोली हर एक द्वार पर जो बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षा करते हैं उनको ध्वस्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा मत प्रकट किया गया। हम भी यही कहेंगे क्योंकि जब रावण किसी भी प्रकार से संधि प्रस्ताव है तो तैयार नहीं, तो अब आगे तो बढ़ना ही होगा। क्योंकि बात अगर केवल सीता की होती तब भी विचार कर सकते थे, पर बात यहां सत्यता की है, बात यहां न्याय की है, बात यहां मर्यादा की है, और मर्यादा के लिए प्राणों का भी बलिदान करना पड़ता है। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीता उद्धार के साथ साथ सब भूमि भार भरना होगा, के रण वीरो के पल वीरो पगवागे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्या पर कटना होगा मरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। इसलिए जैसा हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा मत प्रकट किया गया उनके विचारों से हम भली भांति सहमत हैं, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सभी भीष्म मत से सहमत होंगे। तो अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं, अपनी सेना को आदेशित किया जाए। और हाँ, मैं चाहता हूँ
सेना के चार भाग तो बनाए जाएं पर एक भाग अतिरिक्त रखा जाए अपने पास। धनपत भैया हैं उड़ेरा से, आपकी ओर से ये 21 रुपया प्रभु के चरणों में। एक भाग अपने पास अतिरिक्त रखा जाए आपातकालीन समय के लिए, जिस द्वार पर सैनिक घायल हो, सैन्य बल की कमी लगे, वहां सैनिक भेजे जा सके, ऐसा एक सैन्य दल अपने पास रखकर बाकी सभी को आदेशित कर दिया जाए, चारों फाटकों पर एक साथ आक्रमण बोल दिया जाए। और ये 121 रुपए की राशि महेश्वरी मंडल जिला पूर्णिया बिहार जो यहाँ पर रह रहे हैं आपकी ओर से ये 121 रुपया भगवान के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे घूम रहे हो, क्या आवारागर्दी कर रहे हो यहाँ पर तुम लोग? पता नहीं, महाराज रावण का हुक्म है यहाँ पर जो भी आवारागर्दी करेगा उसे 6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। ए, क्या बचा रखा है तुम? इसे पकड़ो, इसमें पिटाई लगाओ, जो? मारो इसे। कौन मारेगा राम? पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। अरे अब तुझे जब ये बंदर है भाई, कांट खाएंगे तुमको, खालेंगे तुझे। हमको कांट खाएंगे। पहले भजन सुनाओ। किसका भजन सुनाए? किसका सुनाओ, भगवान का और किसका? भगवान का सुनोगे और किसी का नहीं सुनोगे? कौन से भगवान का भजन सुनाए तुमको? अरे श्री राम। राम जी का सुनो, कन्हैया जी का सुनो, ब्रह्मा जी का सुनो, शंकर जी का सुनाओ। हाँ सुनो। अरे राम कहो, सीता कहो, अरे राम कहो, सीता कहो, पुन कहो सीता राम, और राम की जीवन जान की, तो जान की जीवन राम। अरे आना, अरे आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम। हम जाओ और चलो जा करके अपने महाराज से कह दो कि बंदर भालुओं ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, चारों तरफ बंदर और भालू ही दिखाई दे रहे हैं। जा करके अपने महाराज से कह दो, जाओ। ये 21 रुपया रामाश्रय पाल साहब, आहा पाल साहब है, खूब छिंगा रखे आपकी तरफ से। हाँ, एक आज बुकलिया दे देते। 21 रुपया राम कथा में दे रहे, एक बार जय जयकार हो जाए उनके राम की। बोलो राम जी महाराज की जय। श्री राम। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, सुना दशानन अति अहंकारी, मारो लंकेश, मारो। जय शंकर जी, जय मृत्युंजय।
बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जब आपके दर्शन हो जाते हैं तो प्रसन्नता हो जाती है। कोई नबी समझदार है? बंदर वालों ने चारों तरफ से लंका को घेर लिया है। लंका के कमूरे कमूरे पर बंदर दिखाई दे रहा है। जिधर देखो उधर बंदर, इधर बंदर, उधर बंदर, आगे बंदर, पीछे बंदर। धिक्कार, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े हथियारों पर। अरे जो दस दस बीस बीस बन रहे कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों आलसियों क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? अरे लंका विदेशियों को देकर क्या दूध लजाते हो अपना? तुम तो उसके प्रिय सेवक हो जिसका स्वामी कैलाश उठाने वाला है। अरे यमसी जिसने बंदी गृह में डाला है उसके अनुचर उसके सहचर लड़कर मारे जाए जमाने में, इस पर भी वीर कहते हो? धिक्कार है वीर कहने में, शर्मानी चाहिए तुमको। महाराज हम लंका वाले हैं, हम जान दे देंगे लेकिन लंका की शान नहीं जाने देंगे। आज आप अपनी सेना का कोई ऐसा कुशल सेनापति बना करके भेजे जो सेना का भली विकास से संचालन कर सके, फिर देखो उन बंदर भालुओं को कैसा जवाब देता हूं। मैं तो आपके हुक्म की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपका आदेश मिल जाए दरबार में पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। खबरदार होशियार, युवराज मेघनाथ की सवारी पधार रही है। ये शहंशाह जापना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन शराब हो। सुनते रहो रैयत की जो जो फरियाद हो, करते रहो गम दूर जो जो सितम इजाद हो। पिता श्री जय शंकर की जय, मृत्युंजय। पुत्र इंद्रजीत हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है पुत्र कि उन दोनों तपस्वियों ने बंदर वालों का दल लेकर के लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र जाओ, जाते ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन तपस्वियों को अथवा उन बंदर वालियों को समाप्त करके हमारे पास ले आओ। क्यों नहीं, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आज का प्रथम दिवस है तो सेनापति नियुक्त होकर के मैं स्वयं जा रहा हूँ। चलो मायावान। ये महाराज जयशंकर की हाथ देख। जाओ पुत्र विजयी। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनु ही सकल लोक विख्याता, धनु ही सकल लोक विख्याता। बहादुर मायावान मेहरबान, कहां पर वो दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण हैं जो कि अपने आप को धनुष विद्या में बड़ा ही निपुण समझते हैं? सुग्रीवा अंगद हनुमान बल सीवा। कहां पर वह नल नील वानर है, कहां पर अंगद हनुमान है और कहां पर वो बाणों का राजा सुग्रीव है? कहां विभीषण भ्राता सोही, आज सब हथ मारी ओही, आज सब हथ मारी ओही। कहां पर वह भ्राता द्रोही विभीषण जो कि लंका राष्ट्र के सुख और आराम को छोड़ करके इन तपस्वियों की शरण में आ चुका है? आज
सबसे प्रथम उसी का मस्तक धड़ से अलग किया जाएगा। कहीं कठिन बाण संधाने अतिशय तीर श्रवण लगताने। बाणों की वर्षा करते हैं तो अब सही बाहर आएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। मेघनाथ के द्वारा भगवान की सेना की ओर जब बाणों की वर्षा होने लगी, ये सारी जानकारी श्री विभीषण जी ने भगवान को दी कि आज संग्राम करने कौन आ रहा है। भगवान रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ संग्राम करने के लिए आ चुका है। आकाश मार्ग से माया के बाणों की वर्षा कर रहा प्रभु। आप लोग चिंता ना करें, इसकी माया मैं अभी समाप्त करता हूं। भगवान श्री राम ने एक बाण से उसके माया को काट दिया, अर्थात माया अंतर ध्यान हो गई। माया बाण, माया कट गई। कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास में ऐसे ना जाने कितने बाण हैं, लेकिन तुमने सुना उस कुलद्रोही के लिए किस प्रकार से हमारे आने का संदेश उस तपस्वी के लिए दे रहा था। लगता है बड़ा ही पौष्टिक आहार ले रहा है यहाँ। बहुत कारा है। बचेगा नहीं, लेकिन अभी तो सोना चांदी खाएगा भी तो राम पे अंगदाद कप साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए नाय राम पदमा। प्रभु जैसा कि दाद भूमिषण जी के द्वारा बतला गया, रावण का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद माया की लड़ाई लड़ते हुए बाणों की वर्षा करते हुए हमारी ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से बाणों की वर्षा कर रहा है कि हमारी बंदर भालू की सेना व्याकुल हो रही है। हे जानकी के जीवन, जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे केवल एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा। हे करुणा सिंध कर कमल को दंड धर, आज मुझे उस मेघनाथ का कौतुक देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिया, उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे उसका सामना कर लेने दो। आज्ञा प्रदान करें लक्ष्मण। अरे समझा लो काय को मारे बे जा रहे, बचो ना नहीं तरो से जाकर। आज युद्ध का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस पर युद्ध में तुम्हारा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। अन्य वीरों को युद्ध के लिए